आज श्रावण शेष सोमवार शैवपीठ को छुटुची काउडिया स्व अंधार राति शिव नाम कंपि उठुची चलापथ बालेश्वर जिला नीलगिरी रही बाबा पंचलिंगेश्वर पीठ कहुए बाबा पाखे धनी गरीब सभी सामान भक्ति भाव बाबा जी जहाँ भी मागिचि बाबा पंचलिंगेश्वर अविलंबे मनवांछा पूरण कर समस्त विपद आपदर उद्धार कर एक प्राकृतिक परिवेश सह पहाड़ झरणा कुलकुल नादरे देवदेव महादेव को स्मरण पाई भक्त माने मध्य विभोर हो पड़ती देवगिरी पहाड़ अंश विशेष एक पत्थर खोल भितर अच्छा बाबा पंचलिंगेश्वर बालेश्वर जिलार ये हूँ अन्य कहीं के पंचलिंगेश्वर को बहु श्रद्धा आसी पूजार्चना करलबम काउड़िया मेली में पंचलिंगेश्वर गेरुमय हो पड़े माइल माइल दूररु दैनिक हजार हजार भक्त और पर्यटक एठारे पाद थापुछन्ति पत्थर खोलरे रहिथिबा बाबांको मूर्ति को स्पर्श करी सानिध्य लाभ आशारे भक्त माने 311 पहाच चढ़ी पीठ निकटरे पहुंची थांते ତା'ଛଡ଼ା 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକଦମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି विशेषकर बालेश्वर बालीघाट मयूरभंज जिलार कप्तिपदार सोन नदी नीलगिरी काठपाल पोटापोल सोर प्रभृति अंचल चिरश्रोता नदी काउड़िया जलभार नहीं दीर्घ 35-40 किमी रास्ता चली चली पंचलिंगेश्वर में पहुंचुंट बाबा श्रीर जलाभिषेक कर सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हैला पंचलिंगेश्वर शैवपीठटी कुलडिया अभयारण्य कबलरे रहितबा जको मुह अंधार हेले एठारे हाथी बाराहा भालु प्रभृति हिंस्र जंतुंक चरा भुई पालटी जाए किंतु बाबांक महिमारु बोलबम पर्व समयरे केबे भी वन्य जंतुमाने पीठकु ओल्लाइ नाहंती कि काहार मध्य अनिष्ट करि नाहंती नीलगिरी अशेष शंकर रिपोर्ट समाज लाइव।